ना ना, मैंने 365। सोचा कि हेलो गाइस, आप भी रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं और बस चाय पीने का मूड हो गया और जाने का मन कर गया। निकल पड़े, यही है आगे। इधर ही चाय कहीं पे मिलता है पता नहीं है, पहली बार जा रहे हैं। और ये जहाँ रहते हैं उधर का ये व्यू है और ये सारा हिसाब किताब है। जगह बहुत अच्छा है, यहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत है और हर तरफ ऐसा ही सीन है, तो काफी अच्छा लगता है, काफी मजा आता है। तो सब कुछ यही है, अभी रोड मेन रोड पे आ गए और यहाँ पे एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है जिसका नाम है रेमेडी, रेमेडी हॉस्पिटल है। और वो रहे हैं, कुछ लोग उधर हैं चाय पी रहे हैं। और मेन रोड है, ये मेट्रो का पुल है जो जाता है, बस यही सारा कुछ है। आगे स्टेशन है और इसको ये रहा वो हॉस्पिटल, रेमेडी हॉस्पिटल, काफी फेमस है। और यही सब सारा कुछ है। मेट्रो स्टेशन है यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पे स्टेशन है मेट्रो स्टेशन। तो ये सब कुछ है। कैसे कब दे रहे हैं? 10 रुपीस। चलिए मेरे लिए ले लिए थे। चलिए चाय है और ये रहे भाई जॉन भाई है जो बिरयानी खा रहे थे। और बस यही सारा कुछ है, जगह काफी अच्छा है। मैं तरफ पीछे जा रहा था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हैदराबाद का रोड है, हाईवे रोड है, रोड नंबर 5 इसको बोलते हैं। ये सामने रेमेडी अस्पताल है, हम लोग एमरजेंसी में कुछ चाय पीने के लिए आए हैं। हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं या फिर यहाँ चाय पीने खास क्या है? हम लोग इधर चाय पीने के लिए आए क्योंकि नाइट में हम लोग का काम लग चुका है, तो थोड़ा आँख का जलन दूर करने के लिए, हैरेसमेंट दूर करने के लिए हम लोग चाय पीने के लिए आए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम होता है प्रशासन का क्योंकि, मगर फिर भी हम लोग रिक्स खेल करके चाय पीने। अच्छा, पुलिस से मतलब डर लगता है ना? डर तो नको लगता जी, मगर क्या है कि पुलिस वाले का कोई गारंटी नहीं ना है, उनके साथ साथ अपन लोग को भी थोड़ा परेशान करेंगे। क्या करते हैं परेशान? वो परेशानी यही करते हैं इधर काहे को इधर क्या करे ला है, तो अपन लोग कहते नहीं सर इधर थोड़ा अपन लोग आए चाय पीने के लिए। समझदार पुलिस वाला रहा तो कहता है ठीक है जा, थोड़ा तेरा पुलिस वाला 2 घंटा में डालता है, छोड़ देता है, पैसा नहीं लेता है। पैसा नहीं लेता है ना, ये अच्छा बात है। चाय कैसा है? वो मोटा भाई जाड़े वाले का चाय उतना इंटरेस्टिंग नहीं, ये अपना लंबू भाई जो है ना था। अच्छा, वो ये लंबे वाले भाई साहब का चाय अच्छा होता है। अच्छा, ये है रात का हिसाब किताब, रात में ऐसे ही मिलता है। यही है तो ये दाढ़ी जो आपका वाइट दिख रहा है, इसको कलर किया है या मतलब ये है हो गया है? नहीं, ये जैसे कि लॉकडाउन पड़ चुका था ना, ओ टाइम ज्यादा धूप में हम बैठ के टाइम गुजारते थे। ओ अच्छा, ठंड का टाइम भी था उस टाइम है ना, लॉकडाउन के समय में क्या करें, तो धूप में बैठने से ये दाढ़ी वाइट हो गया है ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, हिसाब किताब यही है। और ये जॉन भाई अपने कॉमेडी है थोड़ा, तो हंसी मजाक चलता रहता है, ये सारा कुछ है। तो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं भैया। जॉन भाई बहुत बड़े कैरेक्टर हैं ये, कुछ बोलिए, जनता लोग सुनना चाहता है आपको, कुछ बोलिए जनता लोग सुनना चाहता है आपको। या मतलब आप कहाँ इस वक्त कहाँ है, ये कौन सा स्टेट है बताइए? ये जैसे कि अभी 2:20 होने वाले हैं, अभी हमने चाय पी करके आए हैं। ये हमारे सामने जो वीडियो कर रहे हैं, चाय के साथ कुछ और भी लिए थे क्या भाई? हाँ, हमने थोड़ा सा स्मोकिंग कर लिया है। अच्छा, स्मोकिंग करते हैं आप? नहीं, हमारा फेवरेट गुटखा है। हाँ, गुटखा खाते हैं आप? बिहारी हैं क्या? ओके, हम भी वही है। फिर पटना सिटी है, फुल एड्रेस नहीं बताना है, फिर मालूम चला कि रिश्ता आने लगेगा, दिक्कत है। शादी शुदा है वैसे, दाढ़ी भले ही वाइट हो गया है धूप में, लेकिन शादी शुदा है
और नवाब तो हम है नहीं, मगर नवाबों को जानते, उन्होंने 365 बीवी रखी थी। ना ना, 365 ही रख के चला लेता हूँ। और जी जी जी, तो बड़ा गलत ख्याल आते हैं आपके, ऐसा गलत बात नहीं करिए। पब्लिक लोग देख रहे हैं ना आपको, फिर क्या सोचेगा? पब्लिक लोग देख रहे हैं तो क्या सोचेगा, हर एक जानता है कि भैया दाल चावल खाते खाते पेट भर जाता, तो कभी कभी बाहर का बिरयानी भी खा लेना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ हर तरह का बिरयानी रहे। हाँ नहीं, ये सब गलत बात कह, बिरयानी होना चाहिए। नहीं नहीं, गलत बात कह दिया। ये देख सकते हैं पीछे, बोरिंग वीडियो है, कुछ खास है नहीं। तो आए हैं आज चाय पीने, तो सोचे बना ही लेते हैं, थोड़ा सा कुछ तो डालने को रहेगा। देखने वाले देखेंगे, नहीं देखने वाले नहीं देखेंगे, बोलेंगे ऐसा है वैसा है ये है वो है, क्या ही था वीडियो में। तो बस ऐसा ही है, बना दिए, क्या फर्क पड़ता है हम लोग को, कौन सा करोड़ों का कमाना है यूट्यूब से। तो बाकी यही है, वो उधर चाय मिल रहा था, मेन रोड है वो, और बस यही हिसाब किताब है। चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में फिर से।